एक जंगल की बात है। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते हैं। उन जानवरों के बीच में एक बांगड़ू शिकारी भी रहता है जो उन जानवरों की देखभाल करता था। वो छोटे छोटे जानवरों के लिए खाने पीने का प्रबंध करता था। एक दिन बांगड़ू शिकारी को पास के गांव में कुछ दिनों के लिए जाने का काम पड़ गया। तो उसके जाने के बाद एक दूसरा शिकारी लंगड़ू आकर उसकी झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन वो लंगड़ू शिकारी बेचारे जानवरों को न तो खाना डालता न उनको अपने पास आने देता। अब कुछ दिनों बाद बांगड़ू वापस अपने जंगल में आया तो उसको अपनी झोपड़ी के बाहर वहाँ पर उसको लंगड़ू दिखाई दिया। तो उसने उससे कहा, अरे भाई ये क्या नाटक है तुम्हारा, तुम यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो। तब लंगड़ू बोला, ये जंगल है भाई, यहाँ किसी का राज नहीं होता। जो समय पर आकर कब्जा कर लेता है जगह उसकी हो जाती है। इस तरह से दोनों में विवाद होने लगा। तभी बांगड़ू बोला, एक काम करते हैं, इस जंगल में रामालिंगा नाम के घोर तपस्वी बाबा रहते हैं। चल उनसे बात करके देख लेते हैं, वो शायद अपने इस झगड़े का समाधान कर दे। अब उन दोनों की बातें जंगल के सारे जानवर भी सुन रहे थे, तो वो भी उन दोनों के साथ बाबा रामालिंगा के पास चले जाते हैं और दोनों शिकारी बाबा को जाकर सारी बात बताते हैं। तब रामालिंगा बोलते हैं, देखो ये जंगल न तो तुम्हारा है न ही इसका। अब इस बात का फैसला जिसका ये जंगल है उन्हीं पर छोड़ देते हैं। तब बांगड़ू बोला, बाबा ये जंगल किसका है फिर। तब बाबा ने कहा, ये जो तुम्हारे सामने जानवर खड़े हैं ना, इनका है। अब तुम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, जिसकी तरफ ये जानवर चले जाएंगे वह शिकारी ही उस झोपड़ी में रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मित्रों। तब बाबा ने जानवरों से कहा, पशुओं तुम चाहो जिस तरफ जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है किसी का। तब सारे पशु बांगड़ू के पास जाकर खड़े हो गए। तब बाबा ने कहा, देखा लंगड़ू तुमने, ये पशु भी बांगड़ू को ही चाहते हैं, क्योंकि ये ही इनकी देखभाल करता है और इनके खाने पीने का प्रबंध भी करता है। तब लंगड़ू ने बाबा रामालिंगा से क्षमा मांगी और जंगल छोड़कर चला गया। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक जंगल में नीला जिन्न रहता था। उसके पास खूब सारी जादुई शक्तियां थी। वो जो चाहे वह चीज मंगा सकता था और अपनी शक्तियों से किसी भी आदमी को अमीर या गरीब भी बना सकता था। वो अपनी मस्ती में रहता था। जंगल के पास के गांव में एक गरीब लकड़हारा भी रहता है। वह रोज लकड़ियां काटने जंगल जाता है। एक दिन वो जंगल से वापस आते समय अपना रास्ता भूल गया और जंगल में भटक गया और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर वो जिन्न भी वहां प्रकट हो गया। उसे यूं अचानक प्रकट होते देखकर लकड़हारे के होश उड़ गए और वही खड़ा खड़ा कांपने लगा। तब नीला जिन्न उससे बोला, भाई डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर भी वो लकड़हारा डर के मारे वहां से भागने लगा। लेकिन जिन्न तो जादुई था, तो वो उसके सामने वापस आ खड़ा हुआ। बेचारा लकड़हारा सोचने लगा, लगता है आज तो मेरा ऊपर का टिकट कटना कन्फर्म है। और वो वही खड़ा खड़ा राम 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 करने लगा। तब जिन्न बोला, भाई घबरा मत, मैं तो तेरी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। तू खाली फोकट काई को टेंशन ले रेला है। फिर भी लकड़हारा डरते डरते उससे बोला, भाई तुम यहाँ क्यों आए हो, मैं तो पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। तब जिन बोला, अबे भूतनी के तू मुझे क्या देगा, उल्टा में लोगों को जो वो मुझसे मांगते हैं वो उनको देता हूँ। तब लकड़हारा बोला, क्या तुम जो कह रहे हो वो वाकई में सच है।
तब नीले जिन ने हाँ में जवाब दिया। तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? तब जिन ने वापस हाँ में जवाब दिया। तब उसने कहा, जिन भाई, तुम क्या हमारी गरीबी दूर कर सकते हो क्या, और तुम मुझे अपने घर वापस भेज सकते हो क्या? तब जिन बोला, ये तो मेरे लिए चुटकी बजाने जैसा काम है। तब लकड़हारा बोला, जिन भाई, मुझे भी आप मेरे घर भेज दो और मेरा घर भी अमीरों के जैसा बना दो। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तब जिन बोला, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह बात किसी को मत बताना। तब लकड़हारा ने हाँ में जवाब दिया। तब नीले जिन ने उसे अपने जादू से उसे बिल्कुल राजकुमार जैसा बना दिया और उसे एक घोड़े पे बैठाकर विदा किया और बोला, ये घोड़ा तुझे तेरे घर तक पहुंचा देगा। और वो लकड़हारा वहां से अपने घर को आ गया। अब घर आते ही उसने देखा कि उसका घर तो एकदम बड़े आलिशान बंगले में बदल गया था और वो घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगा। उसकी बात सुनने के बाद पत्नी ने कहा, आप तो पूरे पक्के बेवकूफ है। जब आपको जिन्न ने खुद बोला था कि तुम जो चाहोगे वो उससे मांगने पर वो तुम्हें दे देगा, तो तुमने उससे खूब सारा धन क्यों नहीं मांगा? तब लकड़हारा भी सोच में डूब गया। अब कल सुबह वापस जंगल जाना और उससे वापस अपनी एक और इच्छा पूरी करने की बात बोलना। दोनों रात में सो जाते हैं। अब अगली सुबह लकड़हारा वापस उस घोड़े पे सवार होकर जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर उस जिन को पुकारने लगता है। थोड़ी देर के बाद जिन वापस प्रकट हो जाता है और जिन उससे बोलता है, क्या तुम्हें मैंने जो कल तुम्हारे लिए किया था वो पसंद नहीं आया क्या? तब लकड़हारा बोला, अरे नहीं जिन भाई, आपने तो जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करके दिया है। मैं तो बस आपको धन्यवाद करने के लिए आया था। तब जिन उसकी इस बात पर खुश हो जाता है और उससे बोलता है, वाह क्या बात है, मैंने तुझ जैसा पहला आदमी देखा है जो यहाँ से धन लेकर जाने के बाद वापस मुझे धन्यवाद कहने आया है। बोल, तुझे और क्या चाहिए? जो तू मांगेगा वो मैं तुझे देता हूँ। अब लकड़हारा तो इसी फिराक में था, वो तो धन मांगने के लिए ही तो जिन्न के पास आया था, पर बेचारा जिन्न तो उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में उलझ ही गया था। उसने तुरंत उससे खूब सारा धन मांग लिया और जिन ने भी उसे खूब सारा धन देकर विदा किया। अब वो धन लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी पत्नी ने जाते ही उससे बोला, अरे वाह आ गए आप और धन भी ले आए। इन दोनों की बातें पास में खड़ा लकड़हारे की पत्नी का भाई डमरू भी सुन रहा था, तो उसने अपनी बहन को बुलाकर उससे कहा, दीदी, ये जियाजी इतना सारा धन लेकर कहाँ से आ रहे हैं? तब दीदी ने उसको सारी बात कह सुनाई। तब डमरू बोला, दीदी, मुझे भी उस जिन्न से मिलना है और उससे अपने गांव वाले घर के लिए धन मांगना है। तब दीदी ने डमरू के जियाजी को बुलाकर सारा मामला बताया। तब लकड़हारा बोला, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है न वो जिन्न है, वो कुछ भी कर सकता है। कहीं वो जिन्न तेरे पैसे मांगने के चक्कर में मुझे गायब न कर दे। और वैसे भी इतना सारा धन तो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। तू एक काम कर, इसमें से कुछ धन इस डमरू को दे दे, ताकि इसका भी काम चल जाएगा और मुझे जिन्न के पास जाना नहीं पड़ेगा। तभी पास खड़ा डमरू बोल पड़ा, अरे जियाजी, आप तो वैसे ही डर रहे हो, मुझे ले चलो उस जिन्न के पास, में बात कर लूंगा, आप तो बस चुपचाप खड़े रहना। तब उसकी पत्नी भी लकड़हारे को भेजने के लिए जिद करने लगी। अब बेचारे का मन तो नहीं था, पर दोनों भाई बहन के चक्कर में उस डमरू को लेकर जाना पड़ा। अब जैसे ही वो दोनों जंगल पहुंचे तो जिन्न को पता चल गया और वो उनके सामने आ खड़ा हुआ
और बोला, क्या हुआ, अब तुझे क्या चाहिए? तब डमरू बोला, अरे जिन्न महाशय, आप तो बड़े दानी हैं, क्या आप मुझ गरीब पर भी अपनी कृपा करेंगे? तब जिन्न बोला, अबे डमरू, मुझे क्या पागल समझ के रखा है तुम दोनों ने, जो मैं बार बार तुमको धन देता रहूंगा, तुम दोनों पक्के लालची हो। मुझे तो यह बात तभी पता चल गई थी जब ये तेरा जीजा दोबारा मेरे पास मुझे धन्यवाद करने आया था, पर मैंने इसको इसलिए माफ कर दिया था क्योंकि गलती इसकी नहीं, तुम्हारी लालची बहन की थी जिसने इसे मेरे पास भेजा था। लेकिन अब दोबारा तेरी बहन ने इसको और तुझको मेरे पास भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को वापस पहले जैसा गरीब बना दूंगा, क्योंकि लालच करना बहुत बुरी बात है। और उस जिन्न ने अपने जादू से उन दोनों को वापस फटेहाल बनाकर जंगल से रवाना कर दिया। एक नगर में रामसेन नाम का राजा रहता था। उसकी कन्या रूपमती बहुत रूपवती थी। उसे हर समय यही डर रहता था कि कोई राक्षस उसका अपहरण न कर ले। उसके महल के चारों ओर पहरा रहता था, फिर भी वह सदा डर से कांपती रहती थी। रात के समय उसका डर और भी बढ़ जाता था। एक रात एक राक्षस पहरेदारों से नजर बचाकर रूपमती के घर में घुस गया। घर के एक अंधेरे कोने में जब वह छिपा हुआ था, तो उसने सुना कि रूपमती अपनी एक सहेली से कह रही है, यह दुष्ट विकराल मुझे हर समय परेशान करता है, इसका कोई उपाय कर। राजकुमारी के मुख से यह सुनकर राक्षस ने सोचा कि अवश्य ही विकराल नाम का कोई दूसरा राक्षस होगा जिससे राजकुमारी इतनी डरती है। किसी तरह यह जानना चाहिए कि वह कैसा है, कितना बलशाली है। यह सोचकर वह घोड़े का रूप धारण करके घुड़साल में जा छिपा। उसी रात कुछ देर बाद एक चोर उस राजमहल में आया। वह वहां घोड़ों की चोरी के लिए ही आया था। घुड़साल में जाकर उसने घोड़ों की देखभाल की और घोड़े रूपी राक्षस को ही सबसे सुंदर घोड़ा देखकर वह उसकी पिठ पर चढ़ गया। घोड़े रूपी राक्षस ने समझा कि यह व्यक्ति ही विकराल राक्षस है और मुझे पहचान कर मेरी हत्या के लिए ही यह मेरी पीठ पर चढ़ा है। उसके मुख में लगाम पड़ चुकी थी। चाबुक लगते ही वह भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाकर चोर ने उसे ठहरने के लिए लगाम खींची, लेकिन घोड़ा भागता ही गया। तब चोर के मन में शंका हुई, यह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े की सूरत में कोई राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। किसी उबड़खाबड़ जगह पर ले जाकर यह मुझे पटक देगा और मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। यह सोच ही रहा था कि सामने पेड़ की एक शाखा आई। घोड़ा उसके नीचे से गुजरा। चोर ने घोड़े से बचने का उपाय देखकर पेड़ की शाखा को हाथों से पकड़ लिया। घोड़ा नीचे से गुजर गया, चोर पेड़ की शाखा से लटक कर बच गया। उसी पेड़ पर घोड़े रूपी राक्षस का एक मित्र शिकारी रहता था। उसने डर से भागते हुए घोड़े रूपी राक्षस को बुलाकर कहा, मित्र डरते क्यों हो, यह कोई राक्षस नहीं बल्कि मामूली मनुष्य है। तुम चाहो तो इसे एक क्षण में खाकर हजम कर लो। शिकारी की बात सुनकर चोर को शिकारी पर बड़ा क्रोध आने लगा। शिकारी उससे दूर ऊंची शाखा पर था। चोर ने उसे ललकार के कहा, दम है तो नीचे उतर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। चोर की बात सुनकर शिकारी भी ताव में आकर नीचे कूद पड़ा और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। चोर ने शिकारी को खूब मारा। अब शिकारी को पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन मित्र राक्षस के सामने चोर की शक्ति को कम बताने के लिए वह वहां बैठा ही रहा। फिर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की छाया साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर राक्षस ने कहा, मित्र चाहे तुम कुछ ही कहो, किंतु तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम विकराल राक्षस के पंजे में आ गए हो। उसकी बात सुनकर चोर बोला,
राक्षस अब तेरा ही नंबर है, तू भी आ जा मैदान में। और चोर राक्षस से जा भिड़ा और उन दोनों में भी खूब लड़ाई हुई और चोर ने राक्षस को हरा दिया और उसे घोड़े से बांधकर उसको घसीटते हुए राजमहल लेकर पहुंचा। सब लोगों ने यह नजारा देखा तो सारे के सारे चौंक गए और सोचने लगे, ये कौन है जो इस राक्षस को घसीट कर ले आया है। तभी वहां पर रानी रूपमती भी आ गई। उसने उस राक्षस को इस हालत में देखा तो रानी ने खूब ताली बजाई और चोर को धन्यवाद किया और वहां के राजा ने चोर और राजकुमारी दोनों का विवाह करवा दिया। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। एक जंगल में लंगड़ा भूत रहता था, उसने वहां के सारे जानवरों को मार दिया था। अब वो सोचने लगा था कि अब क्या किया जाए, तो वह इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के गांव धमाकापुर में आ गया और वहां के लोगों को उसने अपने पैरों पर चलते हुए देखा। उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगने लगा क्योंकि वह खुद लंगड़ा था, तो उसने सोचा कि अब इन लोगों को लंगड़ा बनाया जाए ताकि इन्हें भी पता चले कि लंगड़ा होना कितना बुरा होता है। और उसे अब जो भी दिखने लगता वह उन सबको भी अपने जादू से लंगड़ा बना देता। सब गांव के लोग परेशान हो गए। तभी किसी ने जाकर इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को ये बात बताई, तो पकोड़ा सिंह उन लोगों के साथ गए और जाकर उस भूत से बात करने लगे और उससे बोले, लंगड़े भूत, तू इन बेचारे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। तब भूत बोला, मुझे तुम सब लोग बहुत बुरे लगते हो। तब पकोड़ा सिंह बोले, लंगड़े भूत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हम तुम्हें इतने बुरे लगने लगे। तब लंगड़ा भूत बोला, क्योंकि तुम सबको दो पाव है और मेरे सिर्फ एक पाव, इसलिए। और ये बोलकर उसने अचानक पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया। ये सब देखकर गांव वालों के तो होश उड़ गए। अब सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, इसने तो पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया, अब हमें कौन बचाएगा। तभी आसमान से एक रोशनी आई और उसमें से एक सुपर हीरो निकला जिसका नाम है छोटू द डेविल बॉय, और उसने आते ही लंगड़े भूत को मारना शुरू कर दिया और उसको वही मार गिराया। फिर छोटू ने अपनी पावर से सब लोगों और पकोड़ा सिंह को वापस पहले जैसा बना दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। ढोलक गांव में एक सुस्त और कामचोर मारू किसान रहता था। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता और दोनों मियां बीवी को भूखे रहना पड़ता था। एक दिन मारू किसान की बीवी को बड़ा गुस्सा आया और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने मारू को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। दिन भर चलते चलते जब मारू थककर चूर हो गए तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। मारू उसी की ओर बढ़ चला। मारू ने वहीं पर बैठकर बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। उसने सोचा कि अगर चारों रोटियों को आज ही खा डाली तो कल परसों या आगे तक नौकरी नहीं मिली तो क्या खाऊंगा। इसी सोच विचार में मारू बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब मारू से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, चारों खा जाऊं, लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। क्योंकि कुआं बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। लेकिन उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब मारू की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं को खाने की बात सोच रहा है।
इसलिए चारों परियां कुएं से बाहर निकलकर उस दानव मतलब मारू से विनती करने लगी। हे दानव राज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दे तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं, जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर मारू हक्के बक्के रह गया। समझ में न आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक जादुई छड़ी और उड़ने वाला लिहाफ मारू को दिया और बोली, इन दोनों चीजों से जो भी चीज आप मांगोगे वो आपके सामने तुरंत पेश हो जाएगी। यह बात कहकर परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे मारू की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों जादुई चीजों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। तब मारू उड़ते हुए लिहाफ को पहनकर और हवा में उड़ता हुआ घर को वापस लौट पड़ा और घर जाकर बीवी को सारा वाक्या सुनाया और दोनों बहुत खुश हुए और जादुई छड़ी से रोज नए नए पकवान मांगकर खाने लगे। चंपकपुर गांव में सब लोग खुशहाली से रहते हैं, पर एक दिन गांव के लोगों के गाय भैंस आदि जानवर अचानक गायब होने लग जाते हैं। सब गांव वाले परेशान होकर चाचा टिंगू के पास जाकर उनको इस समस्या के बारे में बताते हैं। चाचा टिंगू से गांव वालों का दुख देखा नहीं गया और वो बोले, आप लोग चिंता मत करो, मैं भतीजे लंबू पहलवान के साथ गांव के बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। यह सुनकर गांव वाले वहां से अपने घरों को चले गए। थोड़ी देर बाद चाचा टिंगू ने भतीजे लंबू पहलवान को बुलाया और दोनों गाँव के बाहर जाने लगे। गांव के बाहर पहुंचने पर चाचा को किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान देखने के बाद चाचा टिंगू ने सोचा कि ये निशान किसी छोटे जानवर के नहीं हो सकते, ये तो किसी बड़े जानवर के लगते हैं। तब चाचा ने लंबू पहलवान से कहा, भतीजे आज रात हमें यही गांव के बाहर रुकना पड़ेगा। और दोनों शाम को अपने घर भोजन करने के बाद वापस गाँव बाहर जाकर उस जानवर का इंतजार करने लगे। थोड़ी रात गुजरने के बाद चाचा टिंगू ने देखा कि आसमान में बड़ा सा जानवर उड़ता हुआ गांव की तरफ जा रहा था। तब चाचा बोले, भतीजे लंबू उठ जल्दी चल, हमें इसका पीछा करना होगा। दोनों उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ ही देर में वो ड्रैगन गांव के जानवरों के बाड़े में पहुंचकर वहां के जानवरों को मारकर खाने लगा। ये देखकर चाचा टिंगू बोले, भतीजे जानवरों को बचाओ। और भतीजा लंबू पहलवान जाकर ड्रैगन से लड़ने लगा। कुछ देर लड़ने के बाद वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगा और वापस गांव के बाहर जाने लगा। ये देखकर चाचा बोले, चलो लंबू इसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि वो ड्रैगन गांव के बाहर की पहाड़ियों में जाकर कहीं गायब हो गया। तब चाचा टिंगू बोले, भतीजे अभी रात में इसका पीछा करना ज्यादा खतरनाक होगा, हम कल सुबह दोबारा आकर इन पहाड़ियों में इसका ठिकाना ढूंढेंगे। अब अगली सुबह दोनों चाचा भतीजे ने गांव वालों को जाकर सारी बात बताई और वो सारे गांव वाले मिलकर उस ड्रैगन को मारने के लिए उनके साथ जाने की जिद करने लगे। तब चाचा ने सबको बोला, ड्रैगन को मारने के लिए मेरा भतीजा लंबू पहलवान ही काफी है, आप लोग चिंता मत करो, आज उस ड्रैगन का काम तमाम हो जाएगा। और दोनों जंगल में होते हुए पहाड़ों में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि ड्रैगन सो रहा था। तब चाचा बोले, भतीजे यही सही मौका है इसको उठाकर पटकने का। और लंबू पहलवान जाकर के ड्रैगन को मारने लगा। ड्रैगन भी उसके ऊपर आग बरसाने लगा। तब लंबू पहलवान भी कहां कम था, उसने भी पूरा जोर लगाकर ड्रैगन से लड़ाई की और अंत में उसको मार गिराया। दोनों चाचा भतीजे ड्रैगन को गाड़ी में पटक कर गाँव में ले आए। एक जंगल के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां एक आश्रम में पवित्र ऋषि रहते थे और वो ऋषि महाराज मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए गांव में हर रोज जाते थे और शाम को वापस आते थे। जब वे अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्र कर लेते थे तो बाकी का भोजन जंगल के जानवरों को खिला देते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था।
जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। एक दिन एक भक्त उनके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन साधु का ध्यान तो चूहे को डंडे से मारने में था और वे उनके भक्त से मिल भी नहीं पाए। तो भक्त इसे अपना अपमान समझकर साधु से क्रोधित होकर बोले, आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। साधु विनम्रतापूर्वक चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में भक्त को बताते हैं कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही लेता है। भक्त ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह देते हुए बोले, मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भक्त निष्कर्ष निकालते हैं कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंचकर चूहे के जाने के बाद उसका सारा भोजन निकालकर आश्रम में ले आएंगे। अब अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र कर लिया और उस भोजन को आश्रम में ले जाते हैं। उधर चूहा खा पीकर जब उसके बिल में वापस आया तो अपना सारा अनाज गायब देख उसे बहुत दुख हुआ और उसे इस बात से गहरा झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। यह कहानी है हमारे इंस्पेक्टर साहब पकोड़ा सिंह की, जो दिन रात पुलिस स्टेशन में बस आराम फरमाते, क्योंकि इनका पेट तो पकोड़े खा खा के बहुत मोटा हो गया था, इसलिए इनसे ज्यादा चला फिरा नहीं जाता था। फिर भी एक आधा कोई छोटा मोटा केस आ भी जाए तो ये अपने जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को फॉरवर्ड कर देते। चलिए अब मलिंगा की एंट्री भी देख लेते हैं। और इंस्पेक्टर मलिंगा उस केस को अच्छे से हैंडल करके सॉल्व करते हैं। एक बार कुछ डाकुओं ने उनके गांव धमाकापुर में लूटपाट मचा दी और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी किसी आदमी ने इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को फोन लगा दिया और उनको सारी बात बताई। तब पकोड़ा सिंह अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचे और उनके और डाकुओं के बीच बहुत फायरिंग हुई, पर पकोड़ा सिंह की टीम पर डाकू भारी पड़ रहे थे क्योंकि वो बहुत खतरनाक थे। और अंत में वो डाकू पकोड़ा सिंह को अपने साथ पकड़कर ले गए क्योंकि वे डाकू पकोड़ा सिंह के पुराने दुश्मन थे। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि पीछे से पकोड़ा सिंह का जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा उनका पीछा करने लगा। मलिंगा को पीछे आता देख डाकू भी अपने घोड़ों को और तेजी से दौड़ाने लगे। इसके बाद इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को जंगल में उनके अड्डे पर ले जाकर उन डाकुओं ने रस्सी से बांध कर पटक दिया। उधर इंस्पेक्टर मलिंगा भी ये सब नजारा चुपके से देख रहा था और मौका देखकर उन डाकुओं पर फायरिंग करने लगा और उन डाकुओं की जमकर धुनाई की और इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को डाकुओं से बचाकर
अपने गांव ले आए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।